वेलकम टू मनीष गुरु। आज है 17 नवंबर। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, नवंबर 2019 में नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये शुभारंभ किया गया जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संघ शासित प्रदेशों में सुशासन प्रथाओं की प्रतिकृति विषय पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन में कितने राज्यों और 4 केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं? तो ये हिस्सा ले रहे हैं 19 राज्यों और 4 केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश के सूचना मंत्री किसके द्वारा ढाका अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया गया? तो उद्घाटन किया गया डॉक्टर हसन महमूद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2019 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय जनजाति उत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? तो उद्घाटन किया नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2019 में पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इनमें से किसको राजा राम मोहन राय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया गुलाब कोठारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है 16 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के कैलिडोस्कोप अनुभाग में विश्व के विभिन्न हिस्सों से चुनी और क्यूरेट की गई कितनी फिल्में शामिल हैं? तो ये शामिल है 20 फिल्में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है 16 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2019 में किस देश ने नाडु कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये कार्यक्रम शुरू किया है आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? आंध्र प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है नीलम शाहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने वित्त वर्ष 2019 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को कितना परसेंट तक घटा दिया है? तो ये घटा दिया 5.6% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में टेरोपोशेरोन इंडिकम को देखा गया, यह कौन सी एक प्रजाति है? तो ये प्रजाति है मछली की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राज़ील के राष्ट्रपति किसने 2020 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है? तो ब्राज़ील के वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं वो हैं जायर बोल्सनारो, जिन्होंने भारत में जो 2020 गणतंत्र दिवस होगा उसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 विश्व कबड्डी कप कहाँ आयोजित होगा? तो 2019 विश्व कबड्डी कप जो है ये आयोजित होगा पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि सांख्यिकी पर 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो मुख्य अतिथि होंगे इसमें बिल गेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने कृषि और बागवानी उत्पादों पर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक का आयोजन कहाँ किया? तो ये बैठक का आयोजन किया है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IBM एक नई मौसम पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करेगा जो कितने घंटे पहले ही स्थिति का अनुमान लगाने और विश्व के उन हिस्सों को समेकित करने में सक्षम होगी जिनके पास इस तरह के विस्तृत डेटा तक पहुंच नहीं है? तो ये करेगी 12 घंटे पहले ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने पाठशाला शहर के विकास के लिए 30 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो ये आवंटित किए हैं असम राज्य ने, यानी इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड।